छोरे हमें थारी मदद चाहिए। ये रहा हमारी होने वाली बहू का फोटो। छोरे ये पता करके बताओ कि कहीं हमारे होने वाली बहू का बलात्कार तो नहीं हुआ है। आप सिर्फ उतना जानते हैं जितना हमने पढ़ा और सुना है, लेकिन 1992 में अजमेर में क्या हुआ था यह हकीकत मैं आपको बताता हूँ। लड़कियों ने किया शहर को गंदा। तुम पत्रकार लोगों को इतनी भी अकल ना? कैसी फोटो छापनी चाहिए कैसी नहीं छापनी चाहिए हैं? लड़की पेट से थी प्रेग्नेंट, इसका मतलब यही हुआ ना कि लड़की अपनी मर्जी से गई, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। तुम लोग हमारी कौन को बदनाम क्यों करना चाहते हो? उस पत्रकार को समझाइए शहर की शांति न बिगाड़े। सबूत तो हमें चाहिए क्योंकि हम भी एक हद तक तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जितना आसान तुम समझते हो उतना आसान नहीं है इस केस को बाहर लेके आना। इतनी सारी लड़कियों की इज्जत का सवाल है, उनका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, जीना हराम हो जाएगा उनका। जीना हराम तो अभी भी है ना सर उनका, जब उनका मन करता है अपने फार्म हाउस बुलाते हैं, उनका रेप करते हैं। जो भी है गीता मुझे सच सच बताओ कि ये क्या चल रहा है, कौन है ये लोग? क्यों ना हम सब कुछ अपने घर वालों को बता दे? आज के बाद ये बात तेरी जबान पे नहीं आनी चाहिए। बहुत दुख होता है कि हम लड़कियां हैं। छोरी के माँ बाप होने का हर जाना तो भरना पड़ेगा ना जी। 1987 से चल रहा है ये सब, न जाने ऐसे कितनी लड़कियां होंगी। न्यूज वाली बात को लेकर उसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर शहर में दंगे करवाना चाहता है। उन सारे के सारे घिनौने कुकर्मियों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दीजिए। सर मुद्दा हिंदू मुस्लिम के दंगों का ना है, मुद्दा उन 250 छोरियों के बलात्कार का है। सब लड़कियों की नंगी फोटो किसी ने अपने फायदे के लिए पूरे शहर में बांट दी थी, और जिसके हाथ भी वो फोटो लगती सब उनको ब्लैकमेल करते और उनका रेप करते थे।